NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं, हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी ने अपने हमले का रुख बीजेपी की ओर मोड़ दिया है, यानी नीतीश कुमार अब आरजेडी के निशाने पर कम हैं, बीजेपी ज़्यादा है। आरजेडी का आक्रामक हमला बीजेपी पर है, इसकी दो वजह है। पहली वजह हम आपको सुबह बता चुके हैं एक दूसरी खबर में। पहली वजह यह है कि आरजेडी को लगता है या महागठबंधन को लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। और दूसरी खबर, दूसरी बात, दूसरी वजह है जो इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि तेजस्वी यादव का जो 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगला था, जो अब तेजस्वी यादव का नहीं है, बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का है, उस बंगले को लेकर बिहार की राजनीति कितनी गरमाई थी और उस बंगले को लेकर कितना बवाल हुआ था। तेजस्वी यादव जब सुप्रीम कोर्ट में बंगले की लड़ाई हार गए थे और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी उस बंगले में रहने गए, तो उन्होंने बकायदा नुमाइश लगा दी थी उस बंगले की और मीडिया को बुलाकर एक एक कमरा दिखाया था कि देखिए यहाँ फिजूल खर्ची हुई है, इस तरीके से पैसा पानी की तरह बहाया गया है। तब तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने भी कहा था कि दोषी इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन कल भवन निर्माण विभाग की ओर से यह कहा गया है कि इंजीनियर बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, बंगले पर कोई फिजूल खर्ची नहीं की गई है। जाहिर है जब भवन निर्माण विभाग ने यह कहा तो तेजस्वी यादव को भी क्लीन चिट दे दी और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने पानी की तरह पैसा बहाया है अपने बंगले पर और सरकारी पैसों का बेजा इस्तेमाल किया है, बंगले पर फिजूल खर्ची की गई है। तेजस्वी यादव को मौका दे दिया है, आरजेडी को मौका दे दिया है कि वो बीजेपी पर हमलावर हो जाए, तो आरजेडी हमलावर हो गई है। आरजेडी ने ट्वीट किया है इसके बाद और लिखा है कि अफवाह मियां झूठों के सरदार, बेशर्मी के बेताज बादशाह सुशील मोदी को फिर मुंह की खानी पड़ी। ये शख्स खाना हजम करने के लिए मीडिया के सामने जुगाली करता है, किसी पर कुछ भी आरोप मर सकता है, उप मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो आरजेडी पर हमला, माफ कीजिएगा, सुशील मोदी पर हमलावर है आरजेडी, क्योंकि बंगले पर क्लीन चिट मिली है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव एकांतवास पर हैं और उनके एकांतवास पर रहते हुए शायद ये पहली अच्छी खबर है उनके लिए जो उनके पक्ष में आई है और उनको क्लीन चिट मिली है, नहीं तो उनसे जुड़ी कंपनी की संपत्ति जब्त हो रही है। विरोधी हमलावर है, उनके एकांतवास अज्ञातवास पर सहयोगी तंज कस रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें उनके एकांतवास पर बड़ी है। लेकिन ये पहला मामला है बंगले का, बंगले से जुड़ा हुआ, जिसमें उनको क्लीन चिट मिली है बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से। और अब आरजेडी हमलावर है डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पर, किन शब्दों के जरिए हमला किया है डिप्टी सीएम पर हमने आपको बता दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।